लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो बाबू, गर्मा गर्म चने हैं, भगवान कसम खाओगे तबीयत खुश हो जाएगी। लाओ पैसे बाबू। पैसे तो नहीं है भाई। बोलते हैं किस्मत का खेल, दो आने का टिकट, चने का बंदोबस्त हो गया। किसी का लव लेटर मालूम होता है। चलो वापस कर देंगे, बेचारी खुश हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच भगवान, थैंक यू। मंगता तो कल भी अपन इधर ही खड़ा रहेगा, तुमको अपना एड्रेस मालूम है। थैंक यू। <देंक्यू। laughs>
एक ही पैसा तो दूंगा ना बाबू तेरी जोड़ी सलामत रहे बाबू तेरे बच्चे जी है बाबू ए बाबू ऐसा क्या इतना पैसा कमाता अंधी को तो आना नहीं देता बाबू भूख लगी है बाबू खाना नहीं खाया बाबू हाँ बाबू क्या करेगी पैसे का ए बाबू तेरा नाम लेके रोटी खाऊंगी तेरे बच्चों को दुआ दूंगी बाबू तेरा घर आबाद रहे बाबू तेरी जोड़ी सलामत रहे बाबू ए अंधी को दो पैसा दे दे बाबू ए बाबू अंधी को दो पैसा दे दे बाबू अंधी को छोड़ छोड़ झूठ बोलती है छोड़ कहीं धोखा देती है ये क्या उद्धम मचा रखा है तुम लोगों ने झूठ बोलती है इंस्पेक्टर साहब आज झूठ बोले तेरी नानी तेरी चाची तेरे माँ बर्तू तेरे चांद तेरे ध्वनि मेरी है क्यों सकती है ध्वनि शक्ल अपनी देख मेरी पहचानी हुई ध्वनि है पहचानी हुई ध्वनि मैं खूब जानता हूँ तुम लोगों को तुम कितने ईमानदार हो कमक तो तुम्हें सड़कों के सिवाय मरने के लिए और कहीं जगह नहीं मिलती बंबई में सड़क मकान और दुकानें के सिवाय है ही क्या सर इंस्पेक्टर साहब दुकानों मकानों में लोग नहीं घुसने देते सड़क पे आप नहीं रहने देते आखिर ये गरीब जाएंगे कहां गरीब अरे मर्दूदो निठल्ले आवारा और निकम्मे फिरने में तुम्हें क्या मजा मिलता है कुछ काम करो धंधा करो इज्जत से रोजी कमाओ इंसान बनो इंस्पेक्टर साहब से बड़े से तस्मन का टोपा घर पे लादे पड़ी कोई मजदूरी नहीं झूठी कहीं की मैं सब जानता हूँ तुम लोग मेरी नरमी का नजायज फायदा उठाते हो एक दिन सबको हवालात में बंद कर दूंगा तो नानी याद आ जाएगी भागो यहाँ से बदमाश नहीं भागो भागो दबा हो जाओ तुम लोगों को भीख मिली अरे भीख तो क्या अभी जूते मिल जाते बच गए अरे तेरे को मालूम नहीं एक ध्वनि के लिए कितना झगड़ा होगा इंस्पेक्टर रहमान पीछे क्या हुआ होगा क्या अपना इंस्पेक्टर है बोल तेरा क्या हुआ मेरे को भगवान ने दौड़ने का टिकट दे दिया और मैंने उसको भी एड्रेस दे दिया कि मैं रोज इधर खड़ा तुम लोगों को एक हैकर स्टील बताता हूँ क्या वो पीछे डबल रोटी की टेकरी है ना हाँ उसमें बहुत ताजा ताजा गर्म माल बन रहा है आज रात को मामला साफ कर देने का है क्या बोलता रहा है बेटी के अंदर घुस के तू तो हमेशा डरती है अरे डरेगा नहीं तो क्या चल एक काम करे अब अनोखी को बोले हैं वो ये काम कर सकती है चल चल जब भी भूख ने हमको सताया हम करेंगे पाव रोटी का कौन है मैं
मैं कौन? कोई नहीं, मैं। और तू कौन है? मैं एक आदमी हूं, और तू कौन है? मैं भी एक लड़का हूं। क्या चाहिए तुझे? रोटी। रोटी? अरे तो तुझे भी भूख लगी है, मैंने समझा कोई और है। कहाँ है रोटी? इधर। लड़कियों का नाम हुआ? वैसे तो मेरा असली में नाम अनोखी लाल है, मगर मेरे साथी मुझे अनोखी कहा करते हैं। क्या काम करता है तू? जो मिल जाए, और अगर काम नहीं मिलता तो भीख मांगता हूँ, और अगर भीख नहीं मिलती तो चोरी करता हूँ। अभी तक अनोखी का पता नहीं, कहीं तंदूर में रोटी तो नहीं गर्म कर रही है? जब देखो गधे बने की बात है, तंदूर में रोटी गर्म कर रही है, एक डबल रोटी थोड़ी लाएगी, इतनी सारी डबल रोटी लाएगी सबके लिए। चुप रहो चिल्ला। बेकरी के बाहर जो दूसरे लोग मिले थे वो कौन थे? मेरे साथी। अच्छा, तभी वो लोग भी तेरी तरह ईमानदार मालूम पड़ते थे। बिल्कुल। मैं तो समझा था कि तुम दूसरे ईमानदार हो, पर तुम तो जेंटलमैन मालूम होते हो। हा? और क्या मालूम होता हूँ? चोर नहीं मालूम होते। अच्छा, फिर बेकरी में डबल रोटी चुराने क्यों गुस्से थे? मुझे भूख लगी थी। है, हम कहाँ हैं? ये जगह कहीं थाना के पास मालूम होती है। तो फिर जाएंगे कैसे? वो देखो, ट्रेन जा रही है, स्टेशन नजदीक ही होगा, चलो चले। नहीं, अभी नहीं, रात के अंधेरे में चले। अंधेरे में? अंधेरे में क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है,
थोड़ी देर सुस्ता ले, बहुत गर्मी है। चलो इस पानी में नहाए। नहाए? हाँ। नहीं बाबू, ये पानी अच्छा नहीं, देखो ना कितना गंदा है, घर जाके नहाएंगे। अबे चल नहा ले, मैं तो कई दिनों से नहीं नहाया। तुम नहाओ ना, मैं तो हफ्ते में एक बार नहाता हूँ। हाँ, हफ्ते में एक बार नहाता है तू, तो फिर तेरे बदन से भूख क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं साबुन नहीं लगाता बाबू। हाँ, साबुन नहीं लगाता तू, तो चलो फिर बिना साबुन कहीं नहाओ। बाबू बाबू, अरे बाबू, तुम नहाओ ना, मैं तुम्हारे कपड़े देखूंगा, वरना कोई चुरा लेगा बाबू। अरे कौन चुराता है जंगल में कपड़े वपड़े, चल। ये तूने किसके डर से लड़के का भेष बना रखा था? मैं किसी से नहीं डरती, मेरा नाम अनोखी है, अनोखी। देखा ये चक्कू? देख लिया तेरा ये चक्कू और तेरे चक्कू की धार भी, लेकिन मैंने कहा अब कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, भूख के मारे अंतरियों में बल पड़ रहे हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है, पर जंगल में क्या मिलेगा? मिलेगा, तुम ठहरो मैं भी आती हूँ। कहाँ गिर गई? ये लो, यही मालूम होता तो उठा न लेते बाबू। कल की झोपड़ी मुझे बना रही है। नहीं बाबू, बनाने की क्या बात है, सच कहती हूँ, दो टिकट खरीदी थी बड़ी बंदर की, तुम्हारी कसम। किसके लिए? एक मेरे लिए और एक ये बाबू की। ओ, आप भी बगैर टिकट है? चलिए चलिए नीचे उतरिए, चलिए। जगन साहब चलती गाड़ी से कैसे उतर सकते हैं? नीचे उतरिए। तुम्हारे टिकट के लिए कूद कर जान दे दें क्या? नहीं, जान देने की कोई जरूरत नहीं, टिकट के दाम और जुर्माना देने से भी काम चल जाएगा। बोरी बंदर जाना है ना, एक रुपया चारा निकालिए दो टिकट के। बस एक रुपया चारा ने? कोई बात नहीं बाबू, ये लो एक रुपया चारा। बाबू ये तो खाली है। पहले ही जानता था, जेब में पैसे नहीं तो गाड़ी में चढ़ने का शौक क्या था? शौक नहीं साहब, मजबूरी है। किस्मत का खेल है बाबू। क्या कहा? नाराज न हो बाबू, तुम रसीद बनाओ, मैं भी पैसे देती हूँ। किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली, आपके पास मोती खजाने और अपनी जेब खाली, जेब खाली, जेब खाली, निकले बाजार से वो मुस्कुराते, बढ़के हर चीज पे बोली लगाते, हमने गर्दन झुका ली, हाँ झुका ली, लो झुका ली, किस्मत का खेल है जनाबे आली। और अपनी जेब
खाली जेब खाली जेब खाली किस्मत का खेल है जनाबे आली। चौकीदार ने कल रात मुसीबत हो गई भागते भागते। खैर तुम आ तो गए मैन। यस मैन हम आ गए। सब ठीक है ना? सब ठीक है। अरे हाँ सब ठीक है, पर ये तो बता ये तेरे साथ कौन है, ये नया चंदूर कहाँ से पकड़ लाए? अरे क्या बताऊं, कल रात डबल रोटी चुराते हुए ये बेखरे में मिल गया था, धोखा था, और जब चौकीदार ने पीछा किया तो ये भी मेरे साथ भाग निकला, तब से साथ साथ है। अरे पन तू एक अनजान आदमी क्यों ले आई यहाँ? न मालूम कौन है कौन नहीं, एक तो पहले से पुलिस के अपने पर मेहरबानी है, उस पर से तो इतनी मुसीबत ले। अरे तू क्यों दुबली हुई जा रही है, जब अनोखी ने हाँ कह दी तो हम सब की हाँ है। आइए बाबू जी आप भी जम जाइए हमारे सड्डे में, पर शिकायत ना रह जाए कि गरीबों के दिल नहीं होता। ठीक है यार, जहाँ इतनी मुसीबत है एक और मुसीबत से क्या फर्क पड़ता है। जियो रखिए बाबूजी तशरीफ का टोकरा। आइए आप भी जम जाइए। बड़ी जल्दी बदल गई। तेरे पापा क्या दादा पांडे? हाँ अनोखी बोल, क्या हुक्म है? इसका ख्याल रखना। कोई खास ख्याल तो नहीं रखना है? नहीं रे, कह दिया ये अपना मेहमान है। ओ, जो हुक्म। कल की डबल रोटी है या खत्म हो गई? अरे कहाँ से बच गई, आज तो पानी का बाजा बाजी। क्या है बच्चे? चावल। अच्छा तो तुम गया होता अपना पेंट पेंट के, तभी तो अपन वंडर करता होता कि अपना पेंट किधर गया। बेचारे के पास कुल दो तो पेंट है, दो किधर रे, पौने दो बोलना, तेरे को तो दिखता नहीं ये मेरा पौना पेंट है। हाँ अभी अपन इस फिक्र में था मैं कि संडे को चर्च कैसा जाएगा, तभी तो अपन दो दिन से नहाया नहीं। अरे तो वैसे भी कौन रोज रोज नहाता है, तू ठहर
अभी देती हूँ तेरा पेंट। थैंक यू बड़ी मेहरबानी। पर जरा जल दिया, अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अपन बहुत बिजी आदमी है। ये लंगड़ू, अभी अपना पेंट मिल गया कि अपन मस्त होके नहंगा धोएंगा। अब तो साबुन चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। अबे कहीं जूते खाने को तो जी नहीं चाहता। अबे चुप, जरा वो बाल्टी को तो खिसका इधर। अबे अंतुले तू कितना भी घिस घिस के ना कुछ फायदा होने वाला नहीं। तेरे को तो घिस घिस के साबुन भी काली हो जाएगी। अरे ओ तरबूजी, एक मुंह और आया है, दो रोटी जास्ती बना लेना। अच्छा जी, मैं भी तो देखूं कौन सा नया मुंह आया है। ओहो, ये मुखड़ा तो किसी जेंटलमैन का दिखाई दे रहा। पर हजामत बड़ी हुई है, दिखता है बाबू साहब पे कड़की छाई हुई है। क्यों बाबू साहब? बाबू साहब, हजामत की फिक्र मत करना, यहाँ अच्छी तरह हो जाएगी। कौन सी, पैसे वाली कि बिना पैसे वाली? अबे लंगड़े, जरा अपना बड़ा टॉवेल दे देना। बैठे बैठे दिन रात जुए ही मारा कर। तो तेरे पाप का क्या रहता है, अपने सर की जुए निकालती हूँ। रोटी ले लो, रोटी 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 दे तो मुझे। अरे मुझे तो दे, मुझे ले बाबू, तू भी खा ले। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये गंदा खाना, जिसे देख कर भी घिन आती है। बदतमीज, जाहिल, बदमाश हो तुम सबके सब। बदबूदार नाली के गंदे कीड़े हो तुम सब लोग, जानवर से भी बदतर। क्या कहा बाबू, क्या कहा? हाँ फूल चढ़ी। अरे जरा ताजमहल होटल में टेलीफोन कर दीजो कि बाबू साहब के लिए 3 प्लेट बिरयानी चाहिए जल्दी। बहुत अच्छा। अन्न को नहीं ठुकराते भैया, अन्न को नहीं ठुकराते। अन्न का दूसरा नाम है भगवान, अन्न बिना भगवान का। अच्छा मुझे जाने दो। बाबू जैसे जाने दो रास्ता। बाबू इधर की तरफ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये लग रहे बाबू रास्ता बता रहे। बाबू जी बाबू जी जाओ ना, जाओ ना। बाबू जी को हाथ मत लगाइए, चमड़ी में के पले। तुम क्या जानो फांसी हमारी राजा, तुम क्या जानो फांसी हमारी लाडली, जिंदगी अपने आंसुओं में ढली। तुम क्या जानो ना बुरे ना भले, हम गरीब हम के पले। तुम क्या जानो हंसी हमारी राजा, तुम क्या जानो हमारी।
नहीं ये बस्ती हमारी। ना बुरे ना भले हम गरीब गम के भले, तुम क्या जानो हस्ती हमारी राजा, तुम क्या जानो हस्ती हमारी। बुरे ना भले हम गरीब गम के भले, तुम क्या जानो हस्ती हमारी राजा, तुम क्या जानो हस्ती हमारी। तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, और जब हमने खाना दिया तो खाना फेंक दिया उसने। देख ये देख यहाँ पड़ा है, देख देख। क्यों बाबू रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है? हम गरीब जरूर हैं, जाहिर गवार और गंदे भी हैं, पर दूसरों को हमें कहने का कोई हक नहीं। हम जैसे भी हैं मस्त हैं, अपने बल पर कमाते हैं, अपने हुनर का खाते हैं। ए, खुदा देता है खाते हैं, पर रोज रोज किधर खाते रहे, देता है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं भी खाते। हमारे इस अड्डे में हिंदू भी है, मुसलमान भी, पारसी भी है, ईसाई भी, सब अपनी मर्जी से आए हैं और मनमानी करते हैं, किसी पर कोई रोक टोक पाबंदी नहीं। दरवाजा खुला है बाबू, रहना चाहो रहो और जाना चाहो तो जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। कमीना कहीं का। क्या कहा? सच तो कहा। वापस ले अपने अल्फाज, वरना वरना तेरी जबान खींच लूंगा। मैं समझता हूँ मैं यहीं रहूंगा। शाबाश, जियो मेरे लाल जियो। कहाँ तक तरबूजी, सुनो भाई बच्चों बड़े मजे की बात है। क्या? अरे बाबूजी शर्मा रही हो। यार खन्ना ये बेडिंग ड्यूटी कौन है? तुम्हें नहीं मालूम? वो सेठ मगन भाई मेहता थे ना जिनका कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ, उन्हीं की लड़की है ये कुसुम मेहता। और ये कौन है? वो है रतन लाल कपूर, उन्हीं के जूनियर पार्टनर है। ओ, बड़ा रोमांस चल रहा है दोनों का आजकल। हाँ लेकिन कहना मुश्किल है ऊंट किस करवट बैठता है। क्यों क्या बात है? एक साहब और भी हैं सुधाकर जोशी। वो देखो वो जो आ रहे हैं ना वही है सुधाकर जोशी। अच्छा मनजीत साहब भी घायल दिल रखते हैं। हाँ उनका क्या कसूर, लौंडिया है ही ऐसी हसीन। क्यों सुधाकर क्या बात है? कुछ नहीं वसीयत नामे पर दस्तखत कराने आया। तो देखिए ना सब कुछ ठीक है ना? जी हाँ ठीक है सर। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि दस्तखत कराने यहाँ पर चले आए, कागजात आज कोर्ट में पेश करने थे इसलिए आ गए। अच्छा आप तशरीफ रखिए हम अभी आते हैं। जी मैंने ही बुलाया था।
देखा, दोनों को लटका के रखा। और सेठ मगन भाई के फरार होने का क्या हुआ? उसका नाम वो प्रकाश वर्मा। हाँ, प्रकाश वर्मा का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश वर्मा की फोटो का पोस्टर जो हमने बोरी बंदर में लगाया था फटा हुआ मिला। मजगांव, फ्रेड रोड, बैलट पियर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में पोस्टर उसी तरह फटा हुआ मिला। इसका मतलब है कि मुजरिम इसी इलाके में कहीं छुपा फिरता है। जी इंस्पेक्टर रहमान, इस इलाके के तमाम होटलों और अड्डों पर खास निगरानी रहनी चाहिए। मेरे CID बराबर तैनात है, आप फिक्र न करें, मुजरिम मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। और लाला जी, ये अनोखी कौन है, कहां से आई है? कुछ पता नहीं, समझ लो इस महले की फसल है। यहाँ मुंबई में हर रोज जहाज आते हैं जाते हैं, हर किस्म के मुसाफिर चढ़ते हैं उतरते हैं। न मालूम किस देश का बीज था, न जात का पता, न धर्म का पता, लेकिन तेरा मिजाज है उसका। घड़ी में मुंह, घड़ी में आंख, एक तूफान, लेकिन दिल बड़ा है अनोखी का। तो अनोखी को भी अपने माँ बाप का पता नहीं? बाप का पता शायद अनोखी की माँ को पता हो, पर अनोखी की को अपनी माँ का पता नहीं। इंस्पेक्टर रहमान कहते हैं 18 साल हुए समुद्र के किनारे अनोखी रेत पर पड़ी मिली हुई थी। अच्छा, तो इसे पाल पोस कर बड़ा किसने किया? भगवान ने। अरे अनोखी कहाँ जा रही है? अपने घर। घर या महल? हाँ महल ही समझ ले। अरे महल से क्या कम है हमारा घर? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारी तरह नहीं कंजूस में किचूस, पैसे पैसे के लिए हाय हाय। हमें कल की फिक्र नहीं, आज है तो खुश, कल नहीं है तो भी खुश। ठीक है ठीक है, पर बिगड़ती काहे को है? आज ये तेरे कपड़े बड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, साफ हो जाएंगे। मैं तो समझाता कहीं मेरे कोई चक्कू मार रही है। अपन के पास जरा माचिस है? माचिस तो नहीं है भाई, माचिस जरा सिगरेट दे देना। थैंक यू। अरे जी थैंक यू। ए सिगरेट ला। क्या बदली होगी? बदली होगी, माफ करना। अरे अरे मगर ये तो झूठी हो गई। झूठी हो गई, बदमाश के कफील। चुप। अरे अरे छोड़, अंतुनी सवेरे से खाना नहीं खाया, एकदम तो मारने दे। आपने बड़ी मुश्किल से सिगरेट लिया, अपने पास टेम नहीं है। अच्छा चलो। अहमद बात है, अपनी किस्मत से तो इन बड़े लोगों के कुत्तों की किस्मत अच्छी है, गाड़ी में घूमते हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, खानसामा लोग है ना, इन कुत्तों के लिए 2-2 रुपए का गोश्त लाते हैं। अरे क्या बात करता, अपने कुत्ते के बरस में 2 रुपए का गोश्त नहीं मिलता। बरस की बात कर रही है, मैंने बकरे ईद को गोश्त खाया था पिछली बकरे ईद को, और जब से अब तक तो बस देखने को मिलता है खाने को नहीं। अहमद तू गोश्त की बात करता, मैं सच तेरे से बोलती हूँ, अपन ने तो 6 महीने से बकरी नहीं देखती। अरे मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मुझे किसी बड़े आदमी का कुत्ता बना दे, पर गरीब नहीं, ताकि गले में पट्टा वट्टा डाल के साहब मेम साहब के साथ मोटर में बैठ के घूमने जाऊंगा। कभी जू तो कभी मरीन ड्राइव, कभी मरीन ड्राइव तो कभी जू बेहन तूने। अरे जब भगवान तेरे को कुत्ता बनाएगा तो मेरे को भी एक ब्यूटीफुल मेम साहब बना देगा। भीड़ तो बहुत लगी, क्या मालूम। क्या हो गया? अरे गटा हो गया। हो गया वो छबीलाल छोकरा है ना, जो हीरोइन बना है वही के पायमा। बिच्छू काट गया। अब का हुई,
सब पर्दा फाड़ गई है। अब नचवा ना ये हो का हो भैया सब पर्दा फाड़ गई है। मैं एक तरकीब बताऊं काका। हाँ भैया तो कुछ फिक्र मत करो। हाँ ये अनोखी है ना इसे ही मनाओ और यही तुम्हारा भला करेगी काका और इसी में सब इज्जत है। अच्छा अनोखी अब तुम ही हमारी इज्जत रक्षक छो। मैं हीरोइन नहीं बाबा। अरे हाँ कह देना अनोखी आज बसंत पंचमी का त्योहार है बेचारों का खेल खराब हो जाएगा तो सब रंग में भंग पड़ जाएगा। हाँ कह दे। अच्छा तो महीने भर मुफ्त में दूध पिलाओगे? मुझे मंजूर है। अरे मुझे अकेली को नहीं काका मेरे सारे कुंबे को पिलाना होगा। सारे कुंबे को? अरे हाँ कह दो ना काका। अरे हाँ कह दो ना एक महीने का मतलब 15 ही दिन होते हैं काका आधा तो पानी मिलाते हैं। मंजूर है मेरी मैया चलो चलो जल्दी करो। आइयो दो मिनट ठहरो फिर वहां मुंह में पाउडर लगा के आ जाते हैं। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ कहीं आज यहाँ कुछ पाकेट वोकेट मत मारना। नहीं मैं कैसा बात करता अपन तो बहुत जेंटलमैन आदमी है अपन बहुत दीजिए अपन ऐसा नहीं करेंगे क्या बात करता। अरे काका ये पाकेट तो तुम्हारा नहीं मानता हूँ गुरु। अरे ओ रूपमती क्या है? अरे बाहर तो आ देख तेरी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? हाँ हाँ ये ले। बालम आएगा आएगा बालम
जरा मेरी आँखों से, मेरी आँखों से उनको बहुत प्यार है, मेरी आँखों में काजल लगा दे जरा, बालम आएगा आएगा, बालम आएगा आएगा, चिट्ठी आए द्वार के शांत लखा जाएगा आएगा, चिट्ठी आए द्वार के शांत लखा जाएगा आएगा, बालम आएगा जेंटलमैन का पाकिट था और कितने निकलते, ये ले साढ़े पांच आने तेरे, साढ़े पांच आने मेरे। इसके वास्ते अपन बोला कि किसी बड़े आदमी को देख के काम करना, खाली पीला अपना टाइम खराब किया। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी दाल रोटी कभी जूते खाए, क्या मूड खराब कर देती है। क्या बात है फूलझड़ी, आज तो बहुत चहक रही है, क्या कुछ ज्यादा कमाई कर ली है? तभी तो कहती हूँ कि मेरे हिस्से की दो रोटी मत बनाना, आज तो मैं चौपाटी से पेट भर की चाट खा के आई हूँ तरबूजी। अरे आज ही की क्या, रोज की खिटखिट मिट जाएगी, किसी चाट वाले से शादी कर ले, मैंने भी एक हलवाई से शादी की थी। तभी तो तू सूख सूख के खाती हुए जा रही है, ले सही बड़े लाई हो, खा ले। बड़े सही बड़े बटले हैं, क्या बात है, कहीं मंगनी मंगनी हो गई क्या? मंगनी क्या रे? मंगनी आने सगाई, इतना नहीं मालूम। अच्छा सगाई वाली रिंग रे। अच्छा अरे अपने को भी गए संडे को एक चांस मिलता होता। अच्छा वो बाजू वाली के आया नहीं रे मिस डिसोजा, उसका रिंग अपने हाथ में आता होता, पर अपन बहुत बिजी आदमी ना रे, अपने पास टाइम किधर रे? सचन तनी तो क्या बंडल फेंकता रे। निकाल निकाल। अरे अनोखी नहीं आई बाबू, अनोखी नहीं आई? नहीं आई। अरे नहीं आई तो आज आएगी, फिकर की क्या बात है? नहीं रे मत, फिकर की बात नहीं, पर अनोखी के बिना कुछ सुना सुना सा लगता है, मजा नहीं आता, क्यों लंगड़े? ये तूने सोला आने कही? अरे ये अनोखी का दम है जो सबको निभा रही है। हाँ यार यहाँ तो छप्पन घाट के लोग रहते हैं, अरे रोज की कटाकटी चलती, मगर ये भाईचारा तो अनोखी की वजह से है। भाईचारा? लेकिन ये तुम्हारा भाईचारा किस काम का? क्यों भाईचारे से रहना बुरा है क्या? नहीं लेकिन गंदगी चोरी लूट खसोट की बुनियाद पर जिंदगी की इमारत नहीं खड़ी कर सकते, यहाँ सब चोर किराकट लुच्चे लफंगों का अड्डा। खबरदार बाबू, जो हमारे अड्डे के बारे में कुछ कहा बात बढ़ जाएगी, अभी तुम हम लोगों को नहीं जानते हो। मुझे इसकी फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारा रहन सहन तौर तरीका बात जबान सब कुछ गंदी है, ये आदमियों की नहीं जानवरों की जिंदगी है, बल्कि जानवरों से भी कई गुजरी अब बदतर। ओ तो हम लोग चोर हैं बाबू, लुच्चे लफंगे हैं, जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। ये जगत तुम जैसे भले आदमियों के रहने लायक नहीं, क्यों? ऐसे बड़े भले आदमी हो तो क्यों छिपी छिपी रहते हो ऐसी गंदी जगह में, उजाले में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं दिन के उजाले में सीना तान के भले आदमी की तरह चलते हो? कुछ मेहनत मजदूरी करो, कमा के दिखाओ, फिर बात करो बाबू। दूसरों का भला बनने की सीख देते हो, भूल गए उस रात बेकरी में क्यों घुसे थे? रोटी की चोरी करने के लिए ना? मैंने गलती की थी, भूख के मारे में पागल हो गया था। तो फिर क्यों नहीं गरीब की मजबूरियों को समझते बाबू? अपना काला नहीं दिखता उसमें? ए बाबू ये मेरा ठिकाना है, यहाँ अपनी हुकूमत मत चला, मैं कह देती हूँ। ए लड़की बंद कर जबान, मैं किसी पर हुकूमत नहीं करना चाहता, लेकिन समझने की कोशिश कर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी एक को तो भला बुरा नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ
वो चपन बोलता, तुम काय को खाली पीली किसी को भला बुरा बोलता है? मैं ऐसे बुरा नहीं कहता, तुम्हारे कारनामों को बुरा कह रहा हूं। रोटी बेशक कमाओ लेकिन ईमानदारी से, ना कि लूट खसोट और चोरी करके, छीन झपट करके, किसी का दिल ना दुखाओ। बस 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 बंद करो अपनी बकवास, तुम्हें हमारी बात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ अनोखी की चलती है, समझे? अकेली मत जाइबो राधे जमुना के। ये बल्लू फिर आ गया, मुसीबत। तीन दिन के बाद आए। जमुना के पी जमुना। जमुना कौन? अनोखी मेरी बुलबुल। तू यहाँ अकेले बैठी और सब क्या उड़ गए? फिर फिकर आया। फिकर आया? कौन फिकर आया है? उधर तो अरे बात सुन, मैं होश में नहीं हूँ, मैं तो पूरे होश में हूँ। सो सके दूर रहे मुझसे। दूर रहूँ? क्यों दूर रहूँ? काय को दूर रहूँ? ये देख, मैं तेरे लिए रिश्वत लाऊँ घड़ी। बोल जड़ी। क्यों बेटा, पहचाना नहीं अपनी अम्मा को? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं फूल जड़ी। मालूम होता तेरे शामा था ये बच्चों। खबरदार जब मुझे हाथ लगाया वरना मैं तेरे अंदर पंजे ढीले करूंगी। जड़ी दो चार मुंह के अनोखी। अनोखी तुझे मालूम नहीं है मैं तेरे को क्या करता हूँ? तू जब इतनी दी थी जब से, हाँ इतना इले घड़ी पाली घड़ी नहीं तू, मैं बुला दू दूर रह। मैं कहती हूँ बल्लू नहीं मानेगा। अरे बात सुनो अनोखी, बात सुनो। ये बल्लू मालूम होता है। छोड़ दे अनोखी जी, ये कौन है? मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। अरे अनोखी जी बोलो ना, ये कौन? मिस्टर अनोखी जी ने समझालो नहीं, खून का धुआं दारू पी लो। खून कर देगा? हाँ किसका खून करेगा? हद हो गई आज। मैं समझता था तुम लोग इतने बुरे नहीं जितने दिखाई देते हो, मगर मेरा गलती की तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम जैसा नहीं बनना चाहता। मैं जा रहा हूं, सुन लिया? मैं जा रहा हूं।
आइंदा कभी मुंह नहीं देखूंगा तुम लोगों का। देना बेटा भागने जाए। अरे जाता है तो जाने दो। अच्छा हुआ दो रोटी कम हुई। कम काहे को, काम में आएगा, मांगता तो अपन खाएगा। चुप रहो कमीना, वो तुम लोगों से लाख दर्जा अच्छा था, हमारी तरह जाहिल और अवारा नहीं। लंगा पांडे, बोलो पांडे, बोलो क्या हुकुम है? देखो देखो जहां भी हो उसे वापस ले आओ, वापस ले आओ उसे। अभी ढूंढ के लाता हूं। अभी चल गए। जब भी आता है कुछ ना कुछ बलवा करके ही जाता है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर देना कि अनोखी, मुझे माफ कर दे। पहली शराब वाह, तेरे दो घूंट काफी है इंसान को हैवान बनाने के लिए। लानत लानत। तुम तो मुझे बच्चा समझते हो, यहाँ तक छोड़ने चले आए। क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी जो है। अच्छा तो कल सुबह फोन करोगी ना? मगर तुम बहुत देर से सो के उठते हो। तमाम रात तुम्हारे सपने जो देखा करता हूँ। पागल हो तुम तो। तुमने बना दिया है। सर गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो कुसुम। हेलो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दो घंटे हो गए। कहाँ गई थी? पिक्चर। अकेले? अच्छा ये तो बताओ, पिताजी के बाद कारोबार कैसा चल रहा? ठीक है। मैं तुमसे ऊपरी नहीं असली बात जानना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो सुधाकर, मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। ये तो बताओ रतन बिजनेस कैसे मैनेज करते? मेरे हिसाब में तो कुछ ठीक नहीं करते। वो बात नहीं है उनमें जो सेठ जी में थे। रतन का भी बिजनेस का तजुर्बा नहीं, तुमने तो पिताजी के साथ बरसों काम किया है। मैं चाहती हूँ तुम रतन की मदद करो। सो तो मैं कर रहा हूँ, शाम हो जाती है काम करते करते। जब तुमसे मिलने को जी चाहता है तो रात को चला आता हूँ, और उधर तुम हो कि कभी टेलीफोन ही नहीं करते। अरे आज सुबह ही मैंने तुम्हें फोन किया था, पर तुम घर पे नहीं थे। अच्छा मैं चलूं, मुझे नींद आ रही है। ए बाजू, ए छतरी वाले, बाजी हो जाए। क्या नींद में साइकिल चला रहा है क्या? अरे अरे लग रहे, मैं तो साइकिल पर जा रहा था, ये साइकिल मेरे पे कैसे जा रही है? हमेशा ही ख्वाब देखता रहता। अच्छा अच्छा ये तो बता, बाबूजी को ढूंढा? ए देख लंगड़े, अपन अनोखी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। हाँ अपन सब जगह ढूंढा, दरिया और कुआं बाकी रह गया है। हाँ पूछ ले अहमद से। अपन भी यार बहुत, अपन समझता था अपन बहुत बिजी है, पर अपन से जास्ती खटमल और मच्छर बिजी है, मिनट मिनट को काटता, दम लेने नहीं देता। अपन भी यार बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अबे जब मुझे दो टांग वाले को नहीं मिला तो तुझे क्या मिलेगा बे लंगड़े? सो जा। अहमद जरा यार पैर दबान, तेरा क्या बिगड़ेगा? अच्छा जी, बड़े खानदानी मालूम होते हो। अबे तू अहमद का बात मत सुन, जरा अपन को गर्मी हो रहा है, जरा पंखा कर दे, फिर अपन भी तेरा कम्बर उम्बर हाथ पैर सब दबा देगा। मंगता तो तेरा गला भी दबा देगा, इसमें क्या वांडा है? फ्रेंड का ड्यूटी है मदद करना।
18 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
खुर खुर सुनो। अरे तू सोई नहीं अभी तक, फिर से रोटी बना रही है क्या? तेरी अम्मा आने वाली है। नहीं शायद तेरा बाप आने वाला हो, सो जा। खबरदार जो मेरे बाप को कुछ कहा राजपूत था वो, हाँ समझा, कछुआ निकाल दूंगी। अरे सो जा ना, लौकी सो रही है। शोर ना करो, मैं अपनी जान को खतरे में डालकर इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि आज सारा सच्चा हाल तुम्हें सुना दूँ। क्या सच्चा हाल सुनाने आया? यही कि मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया। अगर तुमने मेरे पिता का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? कुसुम, भला मैं तुम्हारे पिताजी का खून क्यों करने लगा? उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? तो फिर पुलिस से क्यों भागे फिर रहे? मैं पूछती हूँ, पुलिस से क्यों भागे फिर रहे हो? कुसुम, यही तो मैंने गलती की है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस बुद्धि को सुलझाऊं कैसे। कुसुम, कुसुम, अगर तुम मेरी जरा भी मदद करो तो शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद मैं बच जाऊं। कुसुम, यकीन जानो मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ कुसुम, बिल्कुल बेगुनाह। मुझे बचा लो कुसुम, मुझे बचा लो कुसुम। अरे देखो ये तुम्हें चोट कैसे लगे, खून बह रहा है, तुम कितने परेशान हो, थके हुए मालूम होते हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ओवल्टीन चाय या कॉफी कुछ लेके आती हूँ। कुसुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए कुसुम, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर बैठकर मेरी बातें सुन लो। हाँ हाँ प्रकाश, सब सुन लूंगी, तुम थोड़ी देर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। इत्मीनान से बैठो, मैं अभी आती हूँ। पुलिस स्टेशन, कहाँ रहे इतने दिन? गलियों में, बंबई की अंधेरी गलियों में। कितनी चीनी मिला? कितनी चीनी मिला? चीनी की बजाय तो तुमने पुलिस मिला दी है। क्या मतलब? मतलब ये अंदर जाकर तुमने पुलिस को टेलीफोन किया था ना? नहीं तो मैंने तो नहीं किया। नहीं किया था तो मेरी आंखें धोखा खा रही है। वो नीचे देखो, पुलिस। तुम ऐसा नहीं करना, मैं तुमसे सलाह मांगने आया था, मैं तुमसे मदद लेने आया था, और तुमने मुझे उसका यह बदला दिया। अब मैं कहां जाऊंगा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। बापू, मैं तो समझी थी तुम कभी नहीं आओगे। मैंने भी यही सोचा था अनोखी, कि
कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अच्छा किया जो आ गए, ना आता तो जाता कहाँ, दुनिया में मेरे लिए और कहीं ठिकाना नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं है अनोखी। ऐसा ना कहो, है क्यों नहीं बाबू? मैं सच कह रहा हूं अनोखी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। बाबू तुम अंधे हो। हाँ अनोखी, तुम चुप चुप क्यों रहते हो? नहीं तो क्या सोच रहे हो? सोच रहा था उस दिन की बात, जब मैं पहली बार यहाँ आया था और मेरे सीने में चुभने के लिए तूने चाकू निकाला था। अब उसी हाथ से मेरे जख्म पर पट्टी बांध रही है। तुम न लौटते तो मालूम मैं क्या करती? क्या करती? चक्कू से अपने गला काट लेती। नहीं अनोखी, ये खूबसूरत गला काटने के लिए नहीं बना है। तेरे इस खूबसूरत गले में इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज है कि जब तू गाती है तो क्या होता है? दिल में कुछ होता है अनोखी। अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू देगी? मांग कर क्यों नहीं देखती? तू देगी? तुम्हें शक है? अगर मैं तुम्हारी जान मांगू तो? दे दूंगी। वचन दे दी तो आज से चोरी करना, झूठ बोलना, भीख मांगना सब छोड़ दे अनोखी। छोड़ दिया? अनोखी तू कितनी अच्छी है अनोखी, बहुत अच्छी। तुम सब लोग अच्छे हो, सिर्फ तुम्हारी आदतें बुरी हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ दो। मैं चाहता हूं तुम सब लोग लाला जी की तरह मेहनत करो, काम करो, ईमानदारी से कमाओ। तुम सब में कुछ हुनर है, खूबियां हैं, इनसे काम लो। ठीक है तो कल से मैं लोगों को अपना नाच दिखा के, गाना सुना के पैसे कमाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। आओ नोखी, चलो बाहर चले। कह दो छुपाओ ना प्यार, कभी कभी आती है झूमती बहार, ऐसी झूमती बहार। कैसे कहूँ बालवा शर्म की है बात, कह देगा चांद सबसे सुन लेगी रात सिया, सुन लेगी रात। Thank you.
बताओ, झुकी झुकी अखियों के पर्दे उठाओ। कह दो जी कह दो, छुपाओ न प्यार, कभी कभी आती है झूमती बहार, ऐसी झूमती बहार। कैसे कहूँ बाल माँ शर्म की है बात, कह देगा चांद सबसे सुन लेगी रात सियां, सुन लेगी रात। छेड़े किसके तराने, झोंके हवा के क्यों है दीवाने। मदहोश है सारी फिजाएं, प्यार भरी कह दो जी कह दो, छुपाओ न प्यार, कभी कभी आती है झूमती बहार, ऐसी झूमती बहार। कैसे कहूँ बाल माँ शर्म की है बात, कह देगा चांद सबसे सुन लेगी रात सियां, सुन लेगी रात। देखो ना कंबस में किधर ही छिड़का फेंक देता है। ए मिस्टर, ये पाकिट तुम्हारा है? थैंक यू, मेरा पाकिट। नो मेंशन, अपन का तो ये ड्यूटी है। थैंक यू, कोई बात नहीं। मिस्टर, जरा उसमें कुछ पैसा तो है? हाँ भाई, 10-15 रुपये। 15 रुपया तो उसमें से कुछ गरीब आदमी खाना नहीं खाया है। वो अच्छा आदमी जेंटलमैन है। अभी भाई चार आना तुम भी ले। चार आना, सिर्फ चार आना, ईमानदारी का कीमत चार है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा आदमी। थैंक यू। लेकिन इसके ये मानी नहीं कि वो नीच, जिस तरह अमीरी के मानी शराफत के नहीं। एक अमीर आदमी भी नीच और कभी ना हो सकता है, और एक गरीब आदमी नेक और अच्छा। ठीक कहते हो बाबू, बात तो ऐसी ही है। और वो नहीं दी चाहिए बाबू, जरा बाबू। क्या राधा तरबूजी? कुछ नहीं, जरा ब्रेक लगाना भूल गई थी। तरबूजी जरा संभल के बेटा, बहुत आ जाएंगी। हर उस धंधे को, हर उस काम को जिससे जिंदगी की कोई जरूरत पूरी हो सकती है, बड़ा समझना चाहिए, और उसे मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। बेशक। अरे वाह बल्लू, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ये कागज के कंदील बनाना कहाँ था जी? ओह बाबूजी, जेल में सीखा। जेल में? हाँ, वो पिछली दफा पुलिस वालों ने अपने को जेल में ठूंस दिया था ना। वहां एक चीनी निकल आया मुसीबत का मारा, वो ठहरा अपनी खोली में। पर आदमी बड़े कमाल का था, क्या कागज के फूल बनाता था कि बस देखा करो, उसी से ये हुनर सीखा। चलो अच्छा हुआ, देखा अब काम में आ रहा है ये हुनर। हाँ हाँ तो रहा। Thank you.
देखा इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने नया धंधा निकाला है। इनको नाच गाने के बहाने ये लोग लोगों के घर झाकेंगे और रात को चोरियां करेंगे। मैं कहता हूँ इन्हें हवालाते बंद कर दीजिए। आपका मोहल्ला सूना हो जाएगा लाला जी, सारी रौनक खत्म हो जाए। दरअसल लाला जी, ये लोग इतने बुरे नहीं जितना कि आप इन्हें समझते। बेचारे भटके हुए ये भी अच्छे शहरी बन सकते अगर इन्हें कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला हो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ठीक ही तो कह रहा हूँ लाला जी, मेरा बस चले तो आप जैसे जो दिन रात काला बाजार करते हैं, अपनी देश और अपने सरकार को धोखा देते हैं, सबसे पहले हवालात में बंद करो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं चला। अनोखी जी, इंस्पेक्टर साहब जरा सुनो तो। बाद में सुनूंगी, पहले मेरी चवन्नी निकाली। चवन्नी? काहे की चवन्नी? काहे की चवन्नी? वाह, आपने जो मेरा नाच गाना देखा। अच्छा तो टिकट लगा रखा है तुमने। अच्छा भाई, ये लो अपनी चवन्नी। अनोखी, कहीं बल्लू को देखा है? बल्लू नहीं। तो बल्लू तो आजकल हमारे साथ नहीं रहता इंस्पेक्टर। नहीं रहता? हमने वो पुराना धंधा छोड़ दिया। अरे वाह रघु चाचा, आज तो जलेबी बहुत अच्छी बनी है। जब आपने रघु चाचा जलेबी मुंह में डालते ही गल गई, मालूम होता है घी की बनाई है। अरे घी की नहीं तो क्या तेल की है? नहीं होता है तो आधा से और बांधो। अनोखी विजय, क्या करोगी इतना सारी जलेबी का? अरे मुझ से थोड़ी ले रही हूँ, बांधो बांधो, आज मैं पैसे देकर ले रही हूँ। दो रुपए जल्दी बांधो। अच्छा गिन के लेना, बाद में बोलना नहीं जो कम पी लिया करके। चाचा दुबले हो गए। अरे अहमद देखो देखो फोटो। चाचा चाचा जरा पढ़ना इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है खूनी प्रकाश वर्मा को पुलिस के हाथों से पकड़ाने वाले को रुपया 5,000 इनाम। क्यों, तुमने कहीं उसको देखा है क्या? हमने नहीं देखा। जल्दी बांधो। शायद कहीं दिन जाए, कहीं दिन जाए। 5,000 रुपया कुछ कम बात है? तुम्हारी दुकान खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। मोदी गगरी उठाई न जाए, मोदी पतली कमर बल खाए खाए। अरे जवाब नहीं तरबूजी तेरा, कम वक्त नजर लगाता नहीं, मैं तो तारीफ। आज सवेरे सवेरे न जाने किसका मुंह देख रुके, जलेबी खाने को मिली। अनोखी मेरा मुंह देखा था ये कहीं तरबूजी ने, ये मुंह और जलेबी। तो कम से कम एक जलेबी खिला के तो दिखाओ। अरे दे 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 दे। क्या बात है अनोखी, आज बड़ी जलेबियाँ बांटी जा रही है। बाबू आज मैंने 7 रुपए कमाए। अरे 7 रुपए कहाँ, 7 रुपए चलाने वाला। आज जलेबी क्यों बांटी जा रही है? अपन का हिस्सा किधर है अनोखी? अपन को भी देना। अरे तू क्यों इतना खुश है? अपन का खुशी आज बहुत बड़ा खुशी है, कोई मामूली खुशी नहीं है, बड़ा हाई क्लास खुशी है अपना। बताओ बताओ, आज अपन ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट? देखो तुम होटल में डांस करेगा 2 घंटा, अभी तुम्हारा टेम्पररी है, बाद में परमानेंट हो जाएगा। देखो अपन ने 10 रुपए एडवांस दिया है, ये देखो। हाँ देखो अपन को 10 मिलेगा, तुमको 100 मिलेगा। हाँ मिल के 110 हुआ अपने 100। भाई को क्या हुआ? अनोखी होटल में नाच करने नहीं जाएगी। अरे अनोखी क्या तरबूजी जाएगी? हाँ। तरबूजी? तरबूजी इतने बड़े घर की लड़की कैसे जा सकती है? मैं कह रही अंतोनी, अनोखी होटल में नाचने नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? तुम बाबू वो होटल कुछ बुरा नहीं, उधर बहुत हाई क्लास लोग आता है। सड़क पर नाची या होटल में नाचू क्या फर्क है? हाँ? अंतोनी हाँ? 2 रुपए वापस कर दे। ये लो, तुम भी कमाल करता ना, अभी अपन उधर बातचीत किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 10 रुपए एडवांस भी ले आया, अभी अपन उसको कैसा वापस दे देगा? अगर अपन उधर नहीं जाएगा तो अपन को पुलिस में दे देगा, अपन ने उधर एड्रेस लिखे लाया अपना। धप्पे रगी। अरे गधे, तूने अपना पता भी बता दिया। तुम तो कमाल करता ना अनोखी, अरे पता नहीं बताएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेगा? समझ लो कि आप उधर नहीं गया तो आप उनको किधर ढूंढेगा? हम तो नहीं इधर ढूंढेगा। ढूंढेगा ना? हाँ। नहीं देख बल्लू, इस गधे ने यहाँ का पता बता दिया, अब तू संभल कर रहना। हाँ तू बाहर निकला कि तेरी शामत आई।
आज इंस्पेक्टर रहमान पूछ रहे थे तुझे। मुझे पूछ रहे थे क्यों? कह रहे थे जहाज पर से माल चोरी गया है, पुलिस का तेरा पर शक है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को चकमा दे दिया कि आजकल तू यहाँ नहीं रहता, कहीं चला गया है। देख बच्चू, अभी संभल के रहना ना तो हम लोग सब मुसीबत में आएंगे। हाँ, निकाल के फेंक क्यों नहीं देता चोरी का माल समंदर में? अरे माल होगा तब ना इधर। वो तो मैंने बेच दिया बाबू साहब। बेच दिया? हाँ बाबू साहब, एक सेठ को, आज ही 200 रुपए आने वाले। अरे जियो बल्लू उस्ताद, तुमने तो कमाल कर दिया प्यारे। अपना कमीशन ना जाए। शर्म नहीं आती चोरी को दाद देते हुए? लाख कोशिश करता हूँ तुमको समझाने की, सुधारने की, इंसान बनाने की, मगर तुम पर कोई असर नहीं होता मेरी बातों का। कई बार तुमसे कहा है चोरी न करो, झूठ न बोलो, भीख न मांगो, अच्छे बनो, मगर जिस तरह गंदी नाली के कीड़े बार बार गंदी नाली में ही जाकर गिरते हैं, इसी तरह तुम सब हो बदमाश, चोर, हैवान। खामोश, बंद करो अपने बकवास। हम हैवान है, चोर है, बदमाश है, और तुम क्या हो? मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर नहीं, चोर से भी बदतर हो, तुम खूनी हो। ये झूठ, ये झूठ, मैंने खून नहीं किया। तुमने सेठ मगन भाई का खून किया है और पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हो। ये देखो सब कुछ, इसमें लिखा है सेठ मगन भाई के खूनी प्रकाश वर्मा, पुलिस के हाथ पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया इनाम। 5,000? मेरी सूरत क्या देख रहे हो? जाओ खबर कर दो पुलिस में, 5,000 रुपए चित हो जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है, आप उन सब लोगों का एक साल का राशन आ जाएगा। और इसके 10-15 साल की मुफ्त की रोटी क्या अंजनी? हाँ, हम सब लोगों का भला हो जाएगा। जाओ पुलिस को खबर कर दो। हम लोग इतने कमीने नहीं है बाबू कि रुपए के लालच से एक आदमी को कुर्बान कर दे। पेट के लिए झूठ बोल सकते हैं, दो आने पैसे के लिए ईमान खो सकते हैं, बस एक बार जिसे हमने अपना कह दिया उसे बचाने के लिए हम अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। पर अब तो बता दो बाबू, तुमने सेठ मगन भाई का खून क्यों किया? ये तो पूछो अनोखी कि मैंने खून किया भी है या नहीं। तुमने खून नहीं किया? नहीं। फिर इसमें जो लिखा है? गलत लिखा है। सुनो, बात यूं हुई, बीए पास किए मुझे 1 साल हो गया था, पर मुझे कहीं नौकरी थी, मैं बिल्कुल बेकार था। मैं सेठ मगन भाई मेहता और उनकी लड़की कुसुम को जानता था। कुसुम मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे बेकार देख उसने अपने बाप से कहकर मुझे नौकरी दिलवाना चाहिए। राम सिंह जी, बेबी जी, सुनो तो जी। देखो चाय का इंतजाम करो, सेठ साहब अभी आती होंगे। जी मैं अभी ला। क्या बात है, पिताजी अभी तक नहीं आए? 5 बजे आने को कह गए थे, मैं जरा फोन करके देखूं। लाल ये मुझे बिल्कुल पसंद है, मैं हरगिज इजाजत नहीं दे सकता इस तरह बार बार रकम उठाने की। लेकिन आप इजाजत क्यों नहीं देंगे? मैं भी तो इस कंपनी का हिस्सेदार हूँ और ये पैसा मैं अपने हिस्से में से मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये फजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, कोई बात नहीं बेटा, ये रतन लाल है। अच्छा तो आ गए? हाँ हाँ, उन्हें बैठाओ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। हाँ तो जल्दी आइए ना। अच्छा, वो अभी 5 मिनट में आते हैं। मेहता जी आपने मुझे बुलाया? हाँ सुधाकर, जरा इधर आइए। ये लीजिए इनकम टैक्स का चेक, मैंने साइन कर दिया है, कल ही रिजर्व बैंक भिजवा दीजिएगा, आज भी लोगों का रिमाइंडर आया है। बहुत अच्छा। आपके हाथ में ये क्या है? ये अपनी मिल के कपड़े का सैंपल है, अभी अभी झुंझुनवाला एंड कंपनी से 2 लाख गज का ऑर्डर बुक करके आया। अच्छा, शाबाश। थैंक यू सर। लो। थैंक यू। ओ, पिताजी भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, बहुत दिनों बाद आए, कहो कैसे हो? मजे में जी। इनसे मिलो, आप है मेरे जूनियर पार्टनर मिस्टर रतनलाल कपूर, और आप मिस्टर प्रकाश वर्मा ने जी? प्रकाश वर्मा। नमस्ते।
सो प्लीज टू मीट यू। प्रकाश और मैं साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। बैठिए बैठिए। मिस्टर रतनलाल कपूर अभी आज 2 महीने हुए बिलाज से लौटे। हाँ बेटा चाय तो तैयार है ना? जी कर रही हूँ पिताजी। ला मुझे एक कप दे दे, अभी 6 बजे मीटिंग में जाना है। आज सुबह कुसुम ने मुझे तुम्हारे बारे में कहा था। जी हाँ, तो तुम्हें किस तरह का जॉब चाहिए? जी क्लर्क की नौकरी छोड़कर और कोई भी जॉब मिल जाए। देखिए साहब, हमारी फर्म में बस 2 ही नौकरियां हैं, एक मैनेजर की और दूसरी क्लर्क की। क्लर्क आप बनना नहीं चाहते, बाकी रह गई मैनेजर की, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे मैनेजर को रिटायर होने में कुछ वक्त बाकी है, यही 10-15 साल। खैर तुम्हारी कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम्हें काम करना, सवेरे दफ्तर में आ जाना। जी कितने बजे? 11 बजे आ जाना, लेकिन ठीक 11 बजे। हाँ जी बहुत अच्छा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं आप लोग बैठिए, कैरी ऑन। अच्छा बेटा तो मैं जाता हूँ। पिताजी आप डिनर के लिए तो वापस आएंगे? हाँ ठीक 8 बजे आ जाऊँ। मैंने कहा चलना नहीं कुसुम, वक्त हो गया। हाँ जाना तो है। तो जल्दी से कपड़े पहन लो। क्या मतलब कपड़े तुम्हें पहने हूँ रतन? क्यों प्रकाश? मेरा मतलब है कपड़े बदलो शो के लिए। शो? अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्यों तुम भी चलो ना हमारे साथ शो पे। कौन सा शो देखने जा रहे हैं आप लोग? डॉग शो। डॉग शो? ये क्या हुआ? अरे कुत्तों की नुमाइश, चलो ना, बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते आए हैं। हाँ हाँ चलिए ना, अभी आपको कुत्ते दिखाएं। जी आप जो शरीक हो रहे हैं वहाँ पे, तो मेरा क्या काम? अरे चलो ना, मिस्टर रतनलाल कपूर ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही है कुत्तों की नुमाइश के जज। ओ होना भी चाहिए, आखिर कुछ देख समझ कर ही लोगों ने जज बनाया होगा कपूर साहब को। तो कपूर साहब फैसला देंगे कि सबसे बढ़िया कुत्ता कौन है। काश कभी इंसानों की नुमाइश होती और किसी कुत्ते को यह फैसला देने का मौका दिया जाता कि सबसे बढ़िया इंसान कौन है। हेर हेर प्रकाश। अच्छा कुसुम मैं चला, बाय बाय। बाय प्रकाश। बाय। गुड मॉर्निंग मेहता सर हैं। आर यू प्रकाश वर्मा? यस। यू आर लेट बाय 5 मिनट्स। जी मैं तो ठीक 11 बजे ही आ गया था, मगर चौथे मंजिले पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। इज ही इन? यस गो राइट इन। थैंक यू। बैठो प्रकाश, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। तो फिर किसने मारा? ये कोई पागल दीवाना तो नहीं है? प्रकाश तुमने सेठ जी का खून कर दिया, किस लिए? नहीं मैंने सेठ जी का खून नहीं किया, मैं सच कहता हूँ मैंने सेठ जी का खून नहीं किया। कौन है ये? एक उम्मीदवार है, नौकरी के लिए आया था, नौकरी नहीं मिली होगी तो सेठ जी का खून कर दिया, बदमाश कहीं का। चलो मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ो, 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 प
लेकिन आप कुछ तो बताइए मिस मेहता, कुछ तो रोशनी डालिए इस मामले पर। कोई खत खतूत, कोई झगड़ा फसाद, या कोई तार चिट्ठी, या कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिससे कि सेठ जी को शॉक लग गया हो? ये कोई भी तो नहीं, रोज की तरह पिताजी आज सुबह खुश खुश ऑफिस गए थे। आप उस वक्त अपने दफ्तर ही में थे मिस्टर सुधाकर, जिस वक्त पिस्तौल की आवाज आई? कुछ नहीं, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, ये सब कुछ मेरे आने से पहले हुआ है। और आप मिस्टर रतनलाल? मैं अपने ही कमरे में था इंस्पेक्टर साहब, गोली की आवाज सुनते ही फौरन वहां पहुंचा। तो सेठ जी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका खून किया गया? इसमें कोई शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, और देखिए ना कमबख्त गोली मारकर भाग गया। प्रकाश ने ऐसा क्यों किया? खून करने के बाद वो खिड़की कूद कर भाग गया। भगवान, ये तूने क्या किया? और इस तरह मां से बिना मिले ही मैं फिर भाग निकला। भूख और प्यास से मैं बेजार हो रहा था जब उस रात बेकरी में तुझसे मुलाकात हुई। यह है सारा किस्सा। लाला जी, सेठ मगन भाई तो खुदकुशी करके मर गए, लेकिन पुलिस मुझे मुजरिम और खूनी समझकर अब तक मेरा पीछा कर रही है। नहीं, मैं नहीं समझता कि मगन भाई ने खुदकुशी की। तो आप क्या समझते हैं कि खून मैंने किया है? नहीं तो, मगर किसी ने तो किया है। तुम कहते हो कि मगन भाई का हिस्सेदार रतनलाल है। जी हाँ। और मगन भाई के मरने के बाद रतनलाल क्या करता था? कारोबार तो सुधाकर संभालता है। सुधाकर कौन? सेठ मगन भाई का मैनेजर। रतनलाल की उम्र क्या होगी? कोई 30 के करीब। जवान है। और तुम कहते हो कि कुसुम से मोहब्बत करता है। मगर मोहब्बत तो सुधाकर भी करता है कुसुम से। कौन, मैनेजर? हाँ, वो भी जवान है, कोई 35 के करीब होगा। बस रतनलाल और सुधाकर, इन दोनों में से एक ने जरूर खून किया है मगन भाई का। और ये खून कुसुम से शादी करके मगन भाई की दौलत हड़प करने के लिए किया गया है। अपुन भी ऐसा समझता, दुनिया में सब झगड़ा छोकरी लोग के वास्ते होता है। क्यों बाबू, सुधाकर वो तो नहीं जिसकी पतली पतली मूछे है, मोटा जैसा, कंजी आंखें वाला? हाँ हाँ। अरे इसको तो अपन ने देखा है। कहाँ देखा है? अरे जिधर अपन ने अनोखी का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उधर दर रोज होटल में छोकरी लोग के साथ आता है। मांगता तो अपन आज भी दिखा देंगे। हाँ ठीक है एंटनी, तू सुधाकर से मेरी पहचान करा दे, बाकी पता मैं चला लूंगी। हाँ ठीक है, तू सुधाकर को देख और रतनलाल के दिल का सारा भेद मैं निकालता हूँ। अच्छा देख ले, बाबू साहब को बचाना होगा। तू फिक्र मत कर, अनोखी बाबू साहब के लिए जाना है। हमारा टेबल रिजर्व है ना? जी हाँ, 3 सीट्स। जाइए। हेलो सुधाकर। हेलो। आइए साहब, मेरा आपका टेबल। क्यों मैनेजर साहब, अभी तो अपन अंदर जा सकता है ना, अभी अपन बिल्कुल हाई क्लास जेंटलमैन बन के आया है। कहाँ से मार के लाया है ड्रेस? क्या मैं तुम बात करता है, बम्बई में क्या नहीं मिलता है? ये ड्रेस अपन किराए से लेकर आया है सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि अपन का वो मिस हसीना है ना, जिसका अपन ने इधर कॉन्ट्रैक्ट किया, जो तुम्हारे इधर डांस करता है, उसके लिए अपन को भी बहुत हाई क्लास लेना मांगता है ना, मैं तो तुम अपन को अंदर जाने नहीं देगा, तो अभी अपन अंदर जा सकता है ना। जाइए मिस्टर एंथनी, जाइए। थैंक यू वेरी मच, तुम अपन को मिस्टर बोला, थैंक यू वेरी मच। तो पिकनिक का प्रोग्राम पक्का है ना? मेरी तरफ से तो पक्का। और तुम्हारी तरफ से? मेरी तरफ से पक्का। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करना है। प्राइवेट? जी बहुत ही प्राइवेट है, जरा आइए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी। क्या बात है? साहब आपको मालूम है आज के प्रोग्राम में कौन लड़की डांस कर रहा है?
सुना है हसीना नाम की कोई लड़की। अरे हसीना को देखोगे तो तुमको पा जाएगा। अभी अभी नया बगदाद से आया है, एक महीना हुआ। कलकत्ते में प्रोग्राम दिया तो लोग बेहोश हो गए, और दिल्ली में प्रोग्राम दिया तो लोगों के दिल हिल गए। इंसान को पागल और पागल को इंसान बना देती है। मांगता तो अपन तुम्हारा इंट्रोडक्शन दिला सकता है। आप उनके मैनेजर? अपन ने उसका इधर कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है। देखो अभी डांस शुरू होने वाला है, सही डांस खत्म हो जाए तो अपन को तुम स्टेज के पास मिल लेना, अपन तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। बहुत अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर एंथनी। ओह सो प्लीज टू मीट यू। वेरी ग्लैड टू सी यू। आपसे मुलाकात करना मांगता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तबीयत खुश कर दी आपने। आइए जरा हमारे टेबल पे चल के बैठिए, कुछ बातें ही हो जाए। अभी देखिए, आज तो खैर देर हो गई है, लेकिन कल रात को शो के बाद आपका खाना मेरे यहाँ। आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। हाय हाय, सारा के सारा मुस्तंजे जाग रहे हैं। किसी में इतनी सराफत नहीं कि प्यासे को पानी पिला दे।
ए वो लंगड़े देख रहे मेरा गला सूख रहा है, जरा पानी पिला दे। ले फुलझड़ी। अबे अंतनी तू भी बाल्टी से पिला, गिलास दे ना गिलास। अबे ये कोई गाय भैंस है जो इसको गिलास से पानी पिलाओ, इसको तो बाल्टी से पिलाना चाहिए। इसमें मुंह डाल फुलझड़ी, इसमें मुंह डाले तू, तेरा भाई, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा सारा खानदान जा मर सर खत ना कुकरा। मेरे खानदान को गाली देता तुम, तुम्हारा सास मरेगा मदर इन लॉ। हाय हाय, मुझे मेरी शादी तो हुई नहीं, मेरी सास को मारे जा रहा है। जल्दी बोले सास का नाम मत। अनोखी, तुम जाग रहे हो बाबू? सुन तो, यहाँ अंधेरे में रात को इस तरह मेरे कमरे में आते हुए तुझे डर नहीं लगता? तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आई थी, रात में प्यास लगी तो। ओ, पानी का गिलास लेकर आई थी तो तू क्या समझती है कि पानी के गिलास से मेरी प्यास बुझ जाएगी? तो कल से मैं पानी का पूरा मटका रख जाया करूंगी, ठीक है ना? और अगर मटके भर पानी से भी मेरी प्यास न बुझी तो बाहर समुद्र में जो इतना पानी भरा है बाबू, तू चाहती है कि मैं इसमें डूब मरूं? नहीं बाबू, मैं क्यों ऐसा चाहूं, मैं तो मजाक कर रही थी। एक बार फिर तो हंस। कितना अच्छा हंसती है तू, सच तेरी पसंद। और जानती है अनोखी, खून का तो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन असली खूनी तो तू है। खूनी? मैं? हाँ तू। जानती है होटल में नाच दिखाकर तूने कितनों का खून किया है? सबकी तो मैं नहीं जानती बाबू, लेकिन एक तो जिंदा ही रह गया। नहीं अनोखी, वो भी नहीं बच सका, वो बेचारा भी घायलों का तड़प रहा है। बाबू, अब मैं जाऊं? कहां जाएगी तू? जाकर सो जाऊंगी। बिल्कुल झूठ है, मैं भगवान की सौगंध जाके कहता हूं ये बिल्कुल झूठ है। मैं चोरी का माल क्यों बेचने लगा? खामोश। ये देख पल्लू, ये रहा वो जहाज से चोरी किया माल, और ये रहे 200 रुपए। तुझे ये चोरी का माल बेचते हुए पकड़ा है, अब बोल तुझे क्या कहना है? कहना कुछ नहीं, अब तो सिर्फ पूछना रह गया हुजूर से। क्या पूछना है? पूछना है कि हुजूर वो प्रकाश वर्मा है ना खूनी, क्या उसको पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा? क्यों, क्या तूने उसे कहीं देखा है? अरे बाबू, इनके माफक ने इधर भी खाया उधर भी खाया, अपन बहुत बिजी आदमी है। हाँ हाँ, तुम तो बड़ा बिजी है, तुम खाता नहीं और देखा है क्या? क्यों बाबू, क्या हुआ, तुम गए थे? हाँ अनोखी, मैं आज साधु का भेष बदल कर रतनलाल से मिला, काफी देर तक बातें होती रहीं। मुझे इत्मीनान हो गया है कि सेठ मगन भाई का खूनी रतनलाल नहीं है। खैर, तुम मुझे बस एक दिन का वक्त और दो, मैं तुम्हें असली खूनी का पता लगाकर बता दूंगी। आज रात को मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? एक जगह, एक के साथ। एक के साथ? कौन है वो, किसके साथ जा रही है तू? नाम तो अभी तक मैंने नहीं पूछा, लेकिन रईस मालूम होता है। नहीं अनोखी, तू नहीं जाएगी किसी के साथ। ऐसा कैसा चलेगा, अपॉइंटमेंट किया है, कुछ मौसकरी नहीं किया है, वो कुछ हमारे तुम्हारे सर का आदमी नहीं है, बहुत हाई क्लास जेंटलमैन, अपॉइंटमेंट रखना मांगता है, तो दिल में क्या सोचेगा? चलो अनोखी, अपॉइंटमेंट इज अपॉइंटमेंट। चलो चलो।
दो दिन से कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे तो कुछ काल में काला नजर आता है। पुलिस कहीं उसे तो नहीं पकड़ने आ रही है? इंस्पेक्टर रहमान भी पूछ रहे थे बल्लू को। अच्छा चलो जाओ जाओ अपना तक आप कर। चलो चलो चलो, चलो। सलाम इंस्पेक्टर साहब। खामोश सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो, कोई हिले जुले नहीं। और आप करे रखवाली मैं कहता हूँ बंद करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे सबकी रखवाली राम ही करता है। तुम्हारा वो मेहमान कहाँ गया? कौन मेहमान इंस्पेक्टर साहब? प्रकाश वर्मा खूनी, ये रहा उसका फोटो। हमने तो इसे कभी नहीं देखा, तुम्हारी कसम। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने तो इसे नहीं देखा। लालाजी, तुमने कहीं देखा है? किसको? किसको? हाँ हाँ देखा है। कहाँ? अखबार में। अखबार में? और तुमने? जी अपन के पास ऐसे आदमी को देखने का टाइम किधर है इंस्पेक्टर साहब? अपन बहुत बिजी है। हुकूमत, तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? वरना तुम सबको हवालात में बंद कर दूंगा। उस कमरे में कौन है? उस कमरे में कौन है? कुछ नहीं, ऐसा ही कमरा है। वहाँ भूत भी रहता है। शिव शंभु, जय भोला शंकर, काटा लागे ना कंकर, सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। साधु महाराज, हमें किसने पुकारा? नमस्कार महाराज। नमस्कार नमस्कार, सुखी रहो, आनंद रहो, कल्याण हो। मगर महाराज आप जहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब आपको मालूम नहीं, ये बड़े पहुंचे हुए महाराज है, आगे की जिंदगी पीछे की जिंदगी सब कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ बता देते हैं। दिन भर समाधि में बैठे रहते हैं। समाधि में? महाराज बड़े अंतर्यामी हैं, महाराज पाओ लागू महाराज। जियो सुखी रहो, सुखी रहो। फिर भी महाराज आप यहाँ कैसे पधारे? रमते राम है साधु संत जोगी बैरागी का क्या, कभी यहाँ कभी वहाँ, सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। बड़ा होनहार भाग्यवान पराक्रमी पुरुष है तू। भाग्यवान महाराज और पराक्रमी भी? हाँ हाँ। आपको कैसे मालूम हुआ महाराज? भला हमसे क्या छिपा है बेटा, अब तेरे भाग्य उदय का समय आ गया, तुझे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सच महाराज? हाँ हाँ, साधु संत कभी झूठे वचन नहीं देते बच्चा, तू यहाँ किसी की खोज में आया है? हाँ, आपसे क्या छिपा है महाराज, मैं यहाँ एक खूनी की तलाश में आया हूँ, कहिए वो मिलेगा भी या नहीं? मिलेगा और जरूर मिलेगा, किंतु समय लगेगा और आज नहीं मिलेगा। नहीं महाराज, वो आज ही मिलेगा और अब तेरे भाग्य उदय का समय आ गया। इंस्पेक्टर रहमान को बुद्धू बनाना बच्चों का खेल नहीं, तेरे जैसे कई ढोंगी साधुओं से पाला पड़ चुका है। कांस्टेबल लगाओ उसे। नहीं सुनील को मुझसे छुपा के रखा था और मुझे धोखा देना चाहते थे, बदमाश हो तुम सब लोग, ले चलो इनको भी पुलिस को उतारे। इंस्पेक्टर साहब हमें क्या मालूम ये कौन है और कौन नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम कैसी गलती कर रहे हैं। मैं तुम सबको जानता हूँ। देखो ना, हम लोग बहुत शरीफ आदमी बन गए बाबू की वजह से, अभी तो हम तुमको 3 महीने सलाम करने भी नहीं आए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, मैं बिल्कुल बिगड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल बिगड़ा हूँ, मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। ये बयान पुलिस को तुम्हारे चलते देना, ले जाओ इसे। किसी ने ले जाइए, ये बेचारा बेगुनाह, इस पर यही खून का इल्जाम लग गया है। तूने तो फैसला भी सुना दिया, बेगुना है बेचारा, बेगुना है तो पुलिस से चिपटा को फिरता था। ले जाओ इसे। नहीं, नहीं, इसे ले जाइए। कौन लगता है तेरा ये, जो तो इसके लिए इतना रो रही है। ना रो अनोखी। देखो अभी ऐसे रोने से कैसा चलेगा, अभी अपन को होटल में जाने को बहुत लेट होता है, अपन को जाना ही मांगता है, नहीं तो पुलिस अपन को भी पकड़ के लेके जाएगा। मुझे नहीं जाना होटल, होटल कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट, वापस कर दे उसके पैसे। अनोखी बेटा, ऐसे रोने से क्या फायदा,
प्रकाश को छुड़ाना है तो असली खूनी को जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। अरे तुम अपन को बोलता होता ना कि तुमको सुधाकर पर डाउट है, आज वो होटल में आने वाला है, आज उसका अपॉइंटमेंट है, अपन को उधर मिलेगा। चलो आलोची प्लीज आलोची। अच्छा चल मैं चलती हूँ। आप सेठ मगन भाई मेहता के ऑफिस की जांच पड़ताल बराबर जारी रखें। हो सकता है कि मुजरिम प्रकाश वर्मा न हो, कोई दूसरा हो। और कौन हो सकता है? पार्टनर रतनलाल या मैनेजर सुधाकर। Thank you.
اشهدو ان لا اله الا الله طبیعت خوش کر دی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی سچی داستان دیکھ رہا ہوں خوب گاتی ہوں آپ کو میرا کھیل پسند آئے یاد ہے نا اپنا وعدہ آج رات کو شو کے بعد میرے گھر کھانا کھانے کا پروگرام جی یاد ہے آپ بلائیں اور میں نہ آؤں جلدی کرو دیر ہو رہی ہے نمستے بیبی جی نمستے صاحب ہیں جی نہیں بیبی جی باہر گئے ابھی تک نہیں لوٹے جی نہیں کب آئیں گے معلوم نہیں بیبی جی کچھ کہہ کر نہیں گئے کھانا کھانے تو آئیں گے جی ہاں دو آدمی کا کھانا بنانے کو کہا تھا شاید کسی کو دعوت دی ہے آپ کچھ پیئیں گے آپ کے لیے کچھ لاؤں نہیں کچھ نہیں اچھا بھائی ہم جاتے ہیں صاحب آئے تو کہنا ہم آئے تھے آؤ بیٹھ تو یہ ہے حضور کا دولت خانہ خوب سجا رکھا ہے کوشش تو یہی کی ہے کہ عیش و آرام کے ساز و سامان میں کوئی کمی نہ رہ جائے فرنیچر ریڈیو ٹیلی فون گل بھی ہے گلدستہ بھی کمی تھی تو گل بدن کی سو تم نے پوری کر دی سچ ہاں آج تم بہت حسین لگ رہی یہ کیا ہے یہ ہے ٹیپ ریکارڈر آواز بھرنے کی مشین وہ کیا چیز ہوتی ہے ابھی بتاتا ہوں دیکھو تم کوئی گانا گاؤ کیوں اس میں تمہاری آواز آ جائے گی گاؤ نا کیا گاؤ کوئی بھی گانا گاؤ جد کر سیا چھوڑو مرے پیا ہو گئی آدھی رات اب گھر جانے دو واہ حسینہ واہ کیا خوب گایا ہے لو اب میں تمہیں تمہاری آواز سناتا ہوں سنو گاؤ نا کیا گاؤ کوئی بھی گانا گاؤ جد کر سیا چھوڑو مری بھیا ہو گئی آدھی رات اب گھر جانے دو واہ حسینہ واہ کیا خوب گایا ہے اتنی جلدی ہائے اللہ غضب بڑی مزیدار چیز ہے یہ مجھے بتائیے کیسے چلاتے بہت آسان سے دیکھو اس بٹن کو اس طرف گھما دو اور اسے لال رنگ پہ کر دو مشین خود بخود چلنے لگتی کھانا تیار ہے حضور لگا دو ٹیبل پر نہیں ابھی نہیں کھانا ٹیبل پہ رکھ دو ہم بعد میں کھائیں گے تم جاؤ بہت اچھا ہوگا دیکھو صبح ہمیں جلدی مت چلانا جی نہیں کیا خیال خیال تو اچھا ہے شروع کیجیے نا
आप क्यों तकलीफ करते, मैं खुद ले लेती। लीजिए ना। तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो, इतनी दूर क्यों बैठी हो? आओ हमारे पास आओ। लीजिए ना। लीजिए ये आखिरी ग्लास हसीना के हाथ से पीजिए। आखिरी क्यों हसीना, जितना चाहो पिलाओ। हसीना के हाथ से शराब तो क्या शहर को भी इनकार नहीं। आप क्या करते हैं हुजूर? हम हाँ। हम मैनेजर हैं। बस मैनेजर मैं तो समझी थी कि आप मालिक हैं। तो मालिक कौन है हुजूर? है नहीं थे, सेठ मगनभाई मेहता। क्यों अब नहीं है? नहीं, उन्हें खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया हुजूर? मैंने खत्म कर दिया। कैसे? जहर देकर? नहीं हसीना, जहर से नहीं, मैंने सेठ मगन भाई मेहता को पिस्तौल से खत्म कर दिया। बड़े बहादुर हैं आप, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं है हुजूर? खतरा? किसी को शक भी नहीं कि खून हमने किया। शाबाश, बड़ी सफाई से किया होगा आपने ये सब काम। मैंने सेठ मगन भाई मेहता को ऐसी जगह छुप कर मारा कि किसी ने देखा भी नहीं। और मजे की बात ये है हसीना कि पुलिस का शक किसी और पे है। कौन है वो? है प्रकाश नाम का बेवकूफ। हेलो हेलो रतन, मैं कुसुम बोल रही हूँ। सुना तो, तुम जल्दी से पुलिस लेकर सुधाकर के घर आ जाओ। हाँ हाँ, उसने कबूल कर लिया है कि उसने पिताजी का खून किया। हाँ सुधाकर के घर तुम जल्दी से चले आओ, बहुत जल्दी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने इसमें मेरी आवाज भर ली? नहीं हुजूर, मैं सिर्फ देख रही थी। कौन हो तुम? पुलिस की जासूस हो? नहीं छोड़ूंगा, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगी। हसीना ये क्या कर रही हो? हसीना नहीं नहीं हसीना, सुधाकर छोड़ दे इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। कुसुम तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो? जलील कमीने बदमाश, जिसका इतने साल नमक खाया उसी का खून किया, छोड़ दे इसे मैं कहती हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो,
खबरदार जो आगे बढ़ी तुम्हारा तुम्हें खून कर दूंगा। देखा जाएगा और उसका इल्जाम हसीना पे लगा। अरे क्या क्राइम का? अदालत मेरी गवाही को सच्चा मानेगी। दरवाजा बंद करने के बाद मैं तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। बड़े 420 निकले सुधाकर, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। नमक हराम कहीं के। आप बड़े अच्छे मौके पर इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पिता का खूनी। ये देखिए यदि इनमें। इंस्पेक्टर साहब मैंने ही इस सुधाकर की आवाज इसमें भर ली है। सच तुम्हारी कसम। ये कौन? ये तो मुझे पता नहीं, ये कमबक सुधाकर इसे लेके आया है, लेकिन इसने बड़ी चालाकी से तमाम बयान इसमें ले लिया है। हाँ? आपका नाम क्या? हसीना। हसीना नहीं, अनोखी। इंस्पेक्टर साहब आप नहीं जानते मुझे, इंस्पेक्टर रहमान जानते हैं। हसीना अनोखी, ये मामला क्या? मामला वाला कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। लाइए मुझे दीजिए। लीजिए। कांस्टेबल मकान की तलाशी लो। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं, आप रिहा कर दिए गए। हाँ मिस्टर वर्मा, पुलिस को आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। प्रकाश, पिताजी के असली खूनी का पता पुलिस को लग गया। हमने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। और आप जानते हैं असली मुल्जिम कौन है? कौन? सुधाकर। हाँ सुधाकर। वो देखो बोरा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रकाश। अरे प्रकाश, अनोखी ने तो कमाल कर दिया। सुधाकर के घर पर पहुंचकर अपनी जान पर खेल गई और उसके सारे दिल का राज मालूम कर दिया। हाँ प्रकाश, अनोखी की मदद से ही सुधाकर पकड़ा गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये लो तुम्हारे प्रकाश बाबू। अनोखी। बाबू। अनोखी। तुम छुट गए। हाँ अनोखी। बाबू, तुम छुट गए बाबू। अरे तुमने छुड़ाया है और तू ही पूछ रही है। सच कह रहे हो प्रकाश, एक ये है जो मुसीबतें तुम्हारे काम आई और एक मैं हूँ जो तुम्हें फांसी के तख्ते पे लटकाने जा रही। ऐसा ना कहो कुसुम, गलतफहमी तो हर एक सो जाया करती, इसमें किसी का दोष नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। याद है मिस्टर वर्मा, एक दिन मैंने आपसे मजाक किया था कि मैनेजर की नौकरी के लिए 10-15 साल इंतजार करना होगा। जी हाँ याद है। वो 10-15 साल आज पूरे हो गए। जी हाँ प्रकाश, मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। हाँ मगर मगर। हाँ के दो पापू, हाँ के दो, हाँ के दो पापू, हाँ के दो। बहुत बहुत शुक्रिया पापू को मंजूर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ये लोग अपने नए बंदे की चाबी, चलो हमारे साथ। दोस्तों मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। और बाबू हम लोग भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम जैसे गवारों को तुमने रास्ता दिखाया, इंसान बनाया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे बाबू। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से तुम्हारी कोई चीज बताओ और निशानी के लेता जाऊं। दोगे? मंगता तो अपुन का जान भी हाजिर है। तो फिर आज तुम्हारी बहुत ही अजीज चीज, बहुत ही प्यारी चीज अनोखी मेरे साथ जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम सबको तुम्हारी हैसियत और लियाकत के मुताबिक नौकरियां दूं। किसी अगर सुबह ठीक 11 बजे मुझे मेरे दफ्तर में मिलना। किस्मत का खेल है जनाबे आली, किस्मत का खेल है जनाबे आली, आपके पास दिलों की खजाने और अपनी जेब खाली